जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाव हिंदी चैनल में स्वागत है। एक और वैकेंसी निकल के आ चुकी है जो कि इंडियन आर्मी कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड में वैकेंसी निकली हुई है। जो कैंडिडेट आर्मी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं उन कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। डिपार्टमेंट का नाम बता दें, कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड में। पोस्ट नेम बारबर, चौकीदार, एलडीसी, सफाई वाली, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक, ट्रेडमैन, मैट, वार्ड सहायिका, वाशरमैन की वैकेंसियां निकाली हुई है। टोटल पोस्ट 153 पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई डेट 30/4/2022। फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा। ऑफलाइन भरने का डेट जो है 30 अप्रैल 2022 है। फॉर्म का लास्ट डेट जो है 13/6/2022 है, यानी 13 जून 2022 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता क्या मांगा है ये भी बता रहा हूँ। बार बार नाई में मेट्रिकुलेशन पास यानी 10वीं पास मांगा है। चौकीदार में 10वीं पास मांगा है। एलडीसी जो क्लर्क में आता है 12वीं पास मांगा है, प्लस टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। सफाई वाला में 10वीं पास मांगा हुआ है। हेल्थ इंस्पेक्टर में 10वीं पास प्लस सेंट्री इंस्पेक्टर कोर्स भी होना चाहिए। और साथियों बता देना चाहता हूँ, कुक में एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा हुआ है। ट्रेडमैन मेट में भी 10वीं पास मांगा हुआ है। और साथियों वार्ड सहायिका में 10वीं पास मांगा हुआ है। वाशरमैन में भी 10वीं पास मांगा हुआ है। जो फॉर्म भरेंगे उसका शुल्क बता दे रहा हूँ, यानी एग्जामिनेशन फीस जो है 100 रुपया मांगा हुआ है, वो भी पोस्टल आर्डर के थ्रू मांगा गया है, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आवेदन शुल्क के हकदार होंगे, जो कि पोस्टल आर्डर पर आप लोग लिखेंगे कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल ईसी अलीपुरी कोलकाता, पिन कोड है 7000027। एसी एसटी के कैंडिडेट को कोई शुल्क नहीं लगा है, उन कैंडिडेट का फ्री है। एज काउंट की बात करें, एज काउंट 13/6/2022 से जनरल कैटेगरी के ऑल पोस्ट के कैंडिडेट के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। ओबीसी ऑल पोस्ट के लिए 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एसी एसटी कैंडिडेट ऑल पोस्ट के लिए 18 से 32 वर्ष के बीच कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों पोस्ट नेम बता दें, यानी किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आए ये भी बता दे रहा हूँ। बारबर में 9 पोस्ट है, चौकीदार में 12 पोस्ट है, एलडीसी में 3 पोस्ट है, सफाई वाली में 35 पोस्ट है, हेल्थ इंस्पेक्टर में 18 पोस्ट है, कुक में 3 पोस्ट है, ट्रेडमैन मेट में 8 पोस्ट है, वाशरमैन में 17 पोस्ट है, वार्ड सहायिका में 53 पोस्ट है। टोटल साथियों 153 पोस्ट निकला हुआ है। टोटल वैकेंसी 153 पोस्ट निकला हुआ है। और साथियों बता देना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड यानी डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या साथ में भेजना है या संकलन करना है। डॉक्यूमेंट जो आप लोग का होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है स्वयं अपने से प्रमाणित, यानी स्वयं अपने से प्रमाणित करना होगा।
send the form by registered post and speed post only. आप लोग को पोस्ट ऑफिस पर फॉर्म को लेकर जाना है, वहाँ से छोड़ना है, सिर्फ आप लोग को स्पीड पोस्ट करना होगा। ओनली स्पीड पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के माध्यम के द्वारा यह फॉर्म को छोड़ना है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं जो भी आप लोग का होगा, मार्कशीट जो भी होगा उसका जेरोक्स जो होगा, सेल्फ अटेस्टेड करके ही उसके साथ में आप लोग को छोड़ना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है एसी एसटी ओबीसी का, वो भी आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान से साथियों, सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस मतलब होता है कि जिस पोस्ट में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका नॉलेज होना, उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस हो तो आप लोग उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करा लेंगे। और साथियों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो 100 रुपया शुल्क लगा है, आप लोग को पोस्टल आर्डर में क्या लिखना है ये भी बता दे रहे हैं। इन फेवर ऑफ कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल ईसी अलीपुरे कोलकाता, जो कि पिन कोड है 700027। और साथियों एक बात और ध्यान दीजिएगा, पोस्टल आर्डर जो आप लोग का इशू डेट होगा 30/4/2022 का होना चाहिए, नहीं तो वो भी आपका 100 रुपया स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी आप लोग पोस्टल आर्डर लेंगे 30/4/2022 के ही लेंगे। डोमोसाइल जो होता है, निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है स्वयं अपने से प्रमाणित होना चाहिए। टू लास्टेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साथियों 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्वयं अपने से प्रमाणित करके ही उस पर चिपकाएं। फॉर्म सेंडिंग एड्रेस यानी फॉर्म कहाँ पर भेजना है ये भी बता दे रहे हैं। टू द कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल ईसी अलीपुरे कोलकाता WB वेस्ट बंगाल, जो कि पिन नंबर है 700027। और साथियों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें, रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा, स्केल टेस्ट होगा, मेडिकल DVPHT फाइनल, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। और साथियों सिलेबस जो बता दें, सिलेबस आप लोग का 150 क्वेश्चन का होगा, जो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क रहेगा, और टाइम हॉर्स जो आप लोग का रहेगा 2 घंटे रहेगा। और साथियों वंशिका आलजाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि जो भी वैकेंसी आए इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिले। धन्यवाद।